हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटीज टेक्नोलॉजी चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ Xiaomi 12 Lite 5G मोबाइल के बारे में। जी हाँ गाइस, Xiaomi 12 सीरीज की तरफ से आपको काफी सारे स्मार्टफोन इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको Xiaomi 12S, Xiaomi 12 अल्ट्रा, Xiaomi 12 Lite 5G मोबाइल, ये तीन वेरियंट कन्फर्म देखने के लिए मिलेगा। इसमें से आपको ऑलमोस्ट दो कन्फर्म देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में। सो इस वीडियो में आज आपको जिस मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ वो है Xiaomi 12 Lite 5G मोबाइल। इसमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, प्राइस पॉइंट क्या होगा और इंडिया में लेना चाहिए नहीं इस मोबाइल को, इसमें क्या बेटर स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। सो इस मोबाइल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और Xiaomi 12 Lite 5G मोबाइल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में। तो इसमें आपको बैक में फुल ग्लास देखने के लिए मिलेगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, फ्रेम में आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, और बैक में फ्रंट में आपको दोनों जगह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड में आपको टॉप लाइट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा एलईडी फ्लैश लाइट के साथ, डाउन साइड इसकी ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट में आपको सेंटर पंचो डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, काफी हल्के हल्के चीन बेजेस देखने के लिए मिलेंगे। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में मोबाइल काफी तगड़ा गुड लुकिंग फोन देखने के लिए मिल जा रहा है। इसमें आपको IP53 की रेटिंग देखने के लिए मिलती है, लिटरली मोबाइल काफी बेस्ट आपको लुक यहाँ प्रोवाइड कराता है। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में इस मोबाइल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके कलर की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको तीन कलर वेरियंट देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक, ग्रीन एंड लाइट पिंक देखने के लिए मिलेगा। सो कलर वाइज भी कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके डिस्प्ले की तरफ आते हैं, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 6.55 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला 10 बीट का POLED पैनल देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसका कलरिंग आपको 1 मिलियन के पास इसका कलरिंग जाता है। तो कलरिंग वाइज भी मोबाइल में कोई भी कमी नहीं मिलेगा। इसमें आपको सेंटर पंचो डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो, 401 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें कंटेंट वॉचिंग के लिए टॉप क्लास एंड फ्लेक्सिबल लेवल का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। ऑल ओवर एक ही बात में मैं बोलूं तो यहाँ आपको क्लियर एंड बेस्ट डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। कंटेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए काफी बेस्ट होने वाला है, थोड़ा डिस्प्ले बड़ा है तो आपको दो हाथ से यूज करना पड़ेगा। अब इसके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला प्लस चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, काफी तगड़ा है चिपसेट है, काफी स्टेबल चिपसेट है, 6nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। हीटिंग का प्रॉब्लम, लैग का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। सीपीयू में आपको देखने के लिए मिलेगा 2.5 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आएगा, कारियो 670 वाले कोर देखने के लिए मिलते हैं। ग्राफिक्स में मिलेगा Adreno 642 LGPU देखने के लिए मिल जाएगा। गेमिंग के लिए कंटेंट क्रिएटर हो तो अगर आपको इसमें कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, LPDDR4X रैम देखने के लिए मिलेगा, UFS 3.1 का सपोर्ट है। सो काफी बेस्ट है गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग के लिए, और इसमें डे टू डे लाइफ में इस मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके कैमरे की बात कर लेते हैं, बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो। बैक से आपको 4K 60 एंड 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के मिल जाएगा, और फुल HD का देखेंगे तो आपको 120fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बैक साइड में आपको प्राइमरी सेंसर में OIS देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हां गाइस, लीक्स में सभी जगह कहीं भी ऐसा शो नहीं किया गया है, यहाँ आपको OIS देखने के लिए मिलेगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा OIS यहाँ देना चाहिए था, मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं होता सभी कुछ। सो इसमें आपको OIS कंपलसरी रहेगा, तो कैमरे के लिए इस मोबाइल को आप परचेस करना, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आपको 1080 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको कैमरा सेटअप काफी बेस्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको OIS देना चाहिए था। लेकिन इसके बैटरी की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको बैटरी में मिलेगा 4300mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। बड़ी बैटरी नहीं, आपको छोटी बैटरी देखने के लिए मिलती है, इसलिए यहाँ आपको छोटी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मोबाइल स्लिम मिलता है एंड लाइट वेट के साथ ये मोबाइल आने वाला है। सो इसलिए आपको यहाँ 3.5mAh देखने के लिए नहीं मिलेगा, और छोटी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। 67W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा, USB Type-C के साथ, 3.5mAh आपको नहीं मिलेगा। डबल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिलेगा डॉल्बी एटमॉस के साथ। सो इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हो, सिवाय 3.5mAh आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑल ओवर इसमें आपको कड़क स्पेसिफिकेशन निकाल के देता है। और इसके सेंसर्स की बात कर लेते हैं, आपको ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा, फेस लॉक सभी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, और हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ आपको यूज करने के लिए मिलेगा। अब इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिलेगा, MIUI 13 सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अच्छा है और डे बाय डे इसमें इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। सो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इसका तगड़ा है। अब बात करते हैं इंडिया में जो वेरिएंट में आएगा, बेस वेरिएंट इसका 8128 होने वाला है, और कहा जा रहा है आपको 25 to 28,000 के रेंज में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। सो
सो यस गाइस, इसको टक्कर देने वाला पोको F4 जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ, दोनों में से आपको कौन सा मोबाइल परचेस करना चाहिए उसका कंपैरिजन आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस मोबाइल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इस मोबाइल में आपको कहीं ना कहीं आपको 3.5 mAh जैक और बैटरी छोटी देखने के लिए मिलती है। सो इंडिया में इस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा तो मोबाइल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो 25,000 के रेंज में। 28,000 में कई सारे मोबाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, IQ Neo 6, पोको F4 4G, ये सभी मोबाइल देखने के लिए मिलते हैं। सो इसमें आपको बेटर स्पेसिफिकेशन कंपलसरी देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज इस प्राइस रेंज पे आपको कई सारे स्मार्टफोन देखने के लिए मिलते हैं। सो यही रीजन है, ये आपको कहीं ना कहीं 25,000-26,000 में देखने के लिए मिलेगा। अब इसके जो भी इंडिया में लॉन्च डेट है आपको अभी कंफर्म नहीं है, इसके जो लीक्स निकल के आए हैं अदर कंट्री में सभी कंफर्म हो चुके, तो इसी में आपको पूरा रिव्यू बताया हूं। और इंडिया में भी आपको थोड़ा अपडेट देखने के लिए मिल सकता है इस मोबाइल में। सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।